आपके बीच में पंजाब के किसानों को सल्यूट करने के लिए आया हूं दिल्ली से। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किए, मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली पंजाब से, आवाज निकली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन 3 कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी। पंजाब के अंदर सबसे पहले आंदोलन उठा और वो आंदोलन दिल्ली पहुंचा। जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई, आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है। सारे देश के किसान आज खड़े हो गए आप लोगों के साथ। आज मैं पंजाब के किसानों को इसीलिए सल्यूट करने आया हूं। पंजाब वीरों की धरती है। ये आज नहीं, सदियों से जब 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 अन्याय हुआ देश के ऊपर या पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ने उसमें लीडरशिप ली है। और इस बार भी 3 कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडरशिप ली है। मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं बना, अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। और केवल पंजाब में नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली के घर घर के आंदोलन अंदर ये आंदोलन पहुंच गया है। मैं भी सूरत गया था, सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी से 27 सीट जीत गई है। बीजेपी के गढ़ के अंदर, गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में सूरत के अंदर कांग्रेस की 0, आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई हैं। तो मैं अभी सूरत गया था, सूरत के लोगों ने मेरे को कहा कि सर अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना पूरे गुजरात के किसान उनके साथ हैं, दिल्ली आपके साथ है, गुजरात आपके साथ है। थोड़े दिन पहले मेरी ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा कि वेस्ट बंगाल के सारे किसान आपके साथ हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये आंदोलन तो केवल 1-2 राज्यों का आंदोलन है, ये 1-2 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और ये केवल देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर भारतवासी का आंदोलन है, ये हर देशभक्त का आंदोलन है, इस देश के रहने वाले बच्चे बच्चे का आंदोलन है। इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने इसको शुरू किया। शुरू से मैं इस आंदोलन में मैंने केवल समर्थन नहीं किया, इस आंदोलन का हिस्सा बन के मैंने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। और आज उसको मेरे को हर जाना, ये हमें परेशान कर रही है, मोदी सरकार खूब परेशान कर रही है। अभी ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर। जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में, तो हरियाणा के अंदर हर शहर में इनको रोका गया, इनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, बैरिकेड लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हर जगह इनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन पंजाब के किसान कहां मानने वाले हैं, वो चलते गए चलते गए चलते गए, सारे अड़चन पार करते हुए, इनके बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बौछारें पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए
तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी। मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं, जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो 9 स्टेडियम, 9 बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी मोदी सरकार ने, उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे, वहां ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे, इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोस्तों अपनी किस्मत अच्छी थी, उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार को नहीं थी, वो हमारी सरकार को थी। ये किस्मत थी, ऊपर वाले की कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार की नहीं थी। तो मोदी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये 9 स्टेडियम जेल बनाने हैं। मैंने पूछा क्यों बनाने हैं, बोले ये जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है। तो दोस्तों हमने कहा हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे। इन्होंने खूब फोन करे मेरे को, इन्होंने खूब दबाव डाला, खूब प्रेशर डाला, लेकिन हम नहीं झुके। अभी जर्नैल सिंह ने पढ़ के बताया, मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है, इनकी मांगे जायज हैं, मोदी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे। दिल्ली पुलिस की अर्जी हम लोगों ने खारिज कर दी, हम लोगों ने कैंसिल कर दी। ये इतना गुस्सा हो गए मेरे से, मोदी सरकार खूब नाराज हो गई। और उसी का नतीजा है, पिछले हफ्ते संसद के अंदर मोदी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी, दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी, सारी पावर गवर्नर की होगी, एलजी की होगी, सारे निर्णय एलजी लेगा। वो हमारी सारी पावर छीनना चाहते हैं, उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्यमंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी। पर दोस्तों चिंता मत करना, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मैं वहां पे लड़ रहा हूं इन लोगों से, 6 साल से लड़ रहा हूं, मेरे को पता है इनसे कैसे लड़ना है। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं। आप किसी बात की चिंता मत करना।